गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे हैं लेसन टू मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद में अब तक हमने पढ़ा है कि मेजर ध्यानचंद एक फेमस इंडियन हॉकी प्लेयर थे। उन्होंने 16 साल की उम्र में आर्मी ज्वाइन कर ली। आर्मी ज्वाइन करने के बाद उन्हें मौका मिला टूर्नामेंट खेलने का। टूर्नामेंट खेला उन्होंने न्यूजीलैंड के साथ, जिसमें उन्होंने अच्छी जीत हासिल करी। फिर 1928 में एक ओलंपिक में उन्हें ओलंपिक गेम के लिए उन्हें सिलेक्ट कर लिया गया। इस टीम में इंडिया टीम को खेलना था स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम और डेनमार्क के साथ। ये पांच टीम थी जो खेली थी। इंडिया ने ऑस्ट्रिया, बेल्जियम और डेनमार्क और स्विट्ज़रलैंड सभी टीम्स को हरा दिया। उसके बाद फाइनल मैच आता है। आज हम पढ़ेंगे फाइनल मैच में क्या होता है। द फाइनल मैच टुक प्लेस ऑन 26th मई। फाइनल मैच 26th मई को हुआ बिटवीन इंडिया एंड दी नेदरलैंड्स। नेदरलैंड और इंडिया के बीच में 26 मई को हुआ। द इंडियन टीम्स बेस्ट प्लेयर्स। इंडिया टीम के, भारतीय टीम के सबसे अच्छे खिलाड़ी फिरोज़ खान, अली शोकत एंड खेर सिंह, ये जो तीनों अच्छे प्लेयर थे, वर ऑन दी सिक लिस्ट, बीमार थे। एंड ध्यानचंद हिमसेल्फ वॉज इल, और ध्यानचंद खुद भी बीमार थे। ये शौकत अली, खेर सिंह और फिरोज़ खान, ये तीनों सिक लिस्ट में थे और ध्यानचंद भी बीमार ही थे। हाउएवर, फिर भी, इवन विद अ स्केलेटल साइड, फिर भी कमज़ोर स्थिति में इंडिया डिफीटेड द होस्ट 3-0 से इंडिया ने अपने होस्ट को हरा दिया। इन दिस मैच, इस मैच में ध्यानचंद स्कोर 2 गोल्स। ध्यानचंद ने इस मैच में 2 गोल्स करे। एंड द इंडियन टीम वॉन इट्स कंट्रीज फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल। एंड द इंडियन टीम, और इंडिया टीम वॉन, जीत गई इट्स कंट्रीज फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल। अपनी कंट्री का पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत लिया इंडिया ने। ध्यानचंद वॉज द टॉप स्कोरर ऑफ द टूर्नामेंट। ध्यानचंद सबसे ज़्यादा गोल बनाने वाले खिलाड़ी थे ऑफ द टूर्नामेंट। टूर्नामेंट में बाय अ लार्ज मार्जिन, एक लार्ज भारी संख्या में स्कोर बनाने वाले खिलाड़ी थे। ही स्कोर्ड 14 गोल्स इन 5 मैचेस। इन्होंने 5 मैचों में 14 गोल बनाए। अ डेली न्यूज़पेपर स्टेटेड अबाउट इंडियाज ट्रम्फ इन द फॉलोइंग। इंडियन, एक डेली न्यूज़पेपर, एक डेली न्यूज़पेपर में लिखा गया इंडिया की टीम, इंडिया की विजय के बारे में लिखा गया, दिस इज़ नॉट अ गेम, ये कोई गेम नहीं था। दिस इज़ नॉट अ गेम ऑफ हॉकी, एक हॉकी का गेम नहीं था, बट मैजिक, लेकिन ये जादू था। ध्यानचंद इज इंडीड द मैजिशियन ऑफ हॉकी। ध्यानचंद वास्तव में मैजिशियन है ऑफ हॉकी, हॉकी के मैजिशियन है। ध्यानचंद वास्तव में एक हॉकी के जादूगर हैं। ऑन रिटर्निंग टू इंडिया, भारत लौटकर द टीम वॉज गिवन वार्म वेलकम बाय थाउजेंड्स ऑफ पीपल। टीम का खुशी से स्वागत किया गया बाय थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हज़ारों लोगों के द्वारा, एट द बॉम्बे हार्बर, बॉम्बे बंदरगाह पर खुशी से हज़ारों लोगों के द्वारा इंडिया टीम का स्वागत किया गया। ध्यानचंद प्लेड वेरियस अदर मैचेस। ध्यानचंद ने और भी बहुत से अलग अलग मैच खेले। परफॉर्म्ड एक्सेप्शनली वेल, और सभी में असाधारण रूप से प्रदर्शन किया। ध्यानचंद ब्रीथ्ड हिज लास्ट ऑन 3 दिसंबर 1979। ध्यानचंद ने अपनी आखिरी सांस ली ऑन 3 दिसंबर 1979 को। लिविंग अ वर्ल्ड रिकॉर्ड, छोड़ते हुए एक विश्व रिकॉर्ड छोड़ते हुए, एंड अनप्रेसिडेंटेड फेम ऑफ हिज क्रेडिट, और अपने अनप्रेसिडेंटेड बेमिसाल फेम, ख्याति, बेमिसाल फेम को, टू हिज क्रेडिट, अपने श्रेय की बेमिसाल ख्याति को छोड़ते हुए, और वर्ल्ड, लिविंग अ वर्ल्ड रिकॉर्ड, और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड छोड़ते हुए 3 दिसंबर को आखिरी सांस ली। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू से, यह कहना डिफ़िकल्ट है, वेदर इंडिया विल एवर बी एबल टू प्रोड्यूस, कि इंडिया एबल नहीं,
क्या इंडिया एबल होगी टू प्रोड्यूस उत्पन्न करने के लिए अ हॉकी विजर्ड लाइक ध्यानचंद इन द फ्यूचर। यह कहना मुश्किल है कि इंडिया दोबारा ध्यानचंद के जैसे हॉकी के जादूगर को उत्पन्न करने में सफल होगी। सो स्टूडेंट्स, ये आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू।